हाउ एज एन इंडिविजुअल, जो हम एक कॉमन लोग हैं, तो सबसे बड़ी इसको एक शर्मनाक बीमारी बोलिए आप, या उसको लोग बड़ा ही गलत समझते हैं टू से कि भाई मैं डिप्रेशन में हूँ, या सोसाइटी या दोस्त गलत समझते हैं कि जिसको पता चले यार ये बंदा डिप्रेशन में है, जी ये बड़ी एक देखिए, क्या बोलेंगे ना इसको, एक बेइज्जती वाली फीलिंग आती है, एक इंसल्टिंग फीलिंग आती है अगर आप बोलोगे कि मैं डिप्रेशन में। जी मेनी फैक्टर्स, बिकॉज आप सोसाइटी में हैं, आपका एक मदर है, या आप एक अपने आप में एक मजबूत शख्स बन के रहना चाहते हैं, या यू 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 वांट टू बी यू नो काइंड ऑफ वेरी नॉर्मल एंड डोंट डिफाइन इट एज डिप्रेशन। अपने को ये जब ये आप जो बात कर रहे हो, हम इसे स्टिग्मा कहते हैं, स्टिग्मा ऑफ इलनेस। अच्छा तो हमें ये समझना पड़ेगा कि डिप्रेशन कितना कॉमन है ऑल ओवर द वर्ल्ड। डिप्रेशन का क्या प्रिवेलेंस क्या है, कितने लोग डिप्रेशन से सफर कर रहे हैं, और कितनी जिंदगियां जो है डिप्रेशन के अंडर उसका बर्डन है, और कितने जिंदगियां जो है कंप्लीटली खत्म हो चुकी है डिप्रेशन से। तो अभी डिप्रेशन दुनिया की सबसे नंबर वन की बीमारी है जो एज फार एज प्रिवेलेंस इज कंसर्न ऑल ओवर द वर्ल्ड। डिप्रेशन इज द नंबर वन इलनेस। ओके, जी सेकेंड थिंग, इसका प्रिवेलेंस कितना है, मतलब ये अगर अपन 100 लोग पकड़े तो 100 लोग में कितने लोग को ये अफेक्ट होती है। तो ये अराउंड 15 to 20%, 15 to 20%। तो ये मतलब कि अगर आप 100, आप दोस्त लोग एक क्लास में, अगर 100 बच्चों की क्लास है आपकी, आपका ग्रुप है, सो उसमें से अराउंड 15 to 20% बच्चों को, आपके साथियों को डिप्रेशन कभी ना कभी जिंदगी भर में एक एपिसोड तो हुआ होगा। ये इसका ओवरऑल प्रिवेलेंस है। तो ये एक बहुत ही कॉमन बीमारी है। दूसरी बात, आपने जो बताई कि ये जो बीमारी का स्टिग्मा है, मतलब ये लोग को अच्छा नहीं लगता बात करना कि मैं डिप्रेशन में हूँ, या मैं साइकेट्रिस्ट के पास गया, या मैं डिप्रेशन की जो गोलियां हैं वो खाता हूँ। तो इसके अंदर हमें ये डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा कि डिप्रेशन मतलब पागलपन नहीं, जो आम लफ्जों में जो पागलपन या साइको जो बोला जाता है वो डिप्रेशन से अलग होता है। जी बेसिकली देखिए, जो साइकेट्रिक इलनेसेस हैं उसको अपन दो उसमें डिवाइड करते हैं। बेसिकली एक है मेजर साइकेट्रिक इलनेसेस और एक है माइनर साइकेट्रिक इलनेसेस। तो जो मेजर साइकेट्रिक इलनेसेस है, जिसका मेन प्रोटोटाइप जो है वो है सिजोफ्रेनिया, जो शक की बीमारी होती है। तो जनरली जो हम पागलपन की बात करते हैं तो जनरली सिजोफ्रेनिया की बात होती है, जो कि एक अच्छा मेजर साइकेट्रिक इलनेस। लेकिन जब माइनर साइकेट्रिक इलनेस की बात आती है तो उसमें बेचैनी, घबराहट और डिप्रेशन, ये बीमारियां आती है। ये माइनर साइकेट्रिक इलनेस है, इसका इलाज पॉसिबल है, लेकिन क्योंकि अपने सोसाइटी में थोड़ी सी एजुकेशन की कमी बोलो, अवेयरनेस की कमी बोलो, और अपने ओल्ड एज थिंकिंग बोलो, कि हमें डर लगता है कि हम शायद साइकेट्रिस्ट के पास चले गए तो हमें पागलपन की बीमारी हो जाए। ट्रू तो ये हमें इससे बाहर, अपने को ये जो शेल है इससे अपने को बाहर निकलना पड़ेगा कि ये कोई पागलपन की बीमारी नहीं है। एक सैडनेस जो एक नॉर्मल इमोशन है, देखिए सैड तो हर इंसान होता है, इसका मतलब क्या है, सैडनेस है, लेकिन वो एक्सेस है, बहुत ज्यादा हो रहा, ट्रू एंड इट इज अफेक्टिंग द लाइफ, इतना ही है बस।